बेहतरीन मशीन। ये $4 मिलियन की याद रखें, और यही मशीन एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में $6 मिलियन की लगी। तो इसका मतलब कि यहां के डॉक्टर्स की ईमानदारी है कि कमीशन नहीं खाई जाती। और मैं एक मेरा बड़ा स्कूल का दोस्त है, उसका एक बहुत बड़ी यहां ड्रग स्टोर है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा लेकिन बड़ा सा, सब जानते होंगे उस ड्रग स्टोर को। उससे मुझे जब हॉस्पिटल 6 साल हो गए खोले को, तो एक दिन मुझे मुबारक देने आया, कहता कि तकरीबन सारे पाकिस्तान के अस्पतालों में जिधर हम दवाइयां बेचते हैं वहां डॉक्टर्स कमीशन मांगते हैं, लेकिन तुम्हारा एक ऐसा अस्पताल है कि लड़ते हैं कीमत कम करने पर। जब हम मायूस हो जाते हैं कि पाकिस्तान में चारों तरफ करप्शन है, कानून नहीं है, रिश्वत है, तो याद रखें कि यहां अगर ऊपर से आपका स्टाफ ठीक हो, आपका ऊपर से बोर्ड ठीक हो, आपकी लीडरशिप ठीक हो, तो पाकिस्तान में भी आप शौकत खानम जैसे इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। और अगर पुलिस, हम जब कहते हैं कि पुलिस का बुरे हाल है, तो याद रखें कि मोटरवे की पुलिस भी है। मोटरवे की आप पुलिस देखें तो दुनिया की किसी भी पुलिस का मुकाबला करें। इसका मतलब कि मायूसी अगर हमें है तो इसलिए एक मौजूदा लीडरशिप की वजह से। अगर इस मुल्क के अंदर लीडरशिप ईमानदार हो जाए तो यहां कोई जरूरत नहीं हमें ये जो हालात है पाकिस्तान के तरह, कराची के जो हालात है, ये कोई जरूरत नहीं। तो शौकत खानम आपके सामने एक मॉडल के इंटरनेशनल लेवल का इदारा बन सकता है, और दुनिया के अंदर, दुनिया में वाहिद कैंसर अस्पताल है, प्राइवेट कैंसर अस्पताल, जिधर अभी डॉक्टर फैसल